हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बिल्कुल आसान तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं और देखने में बहुत सुंदर डिजाइन होगा। तो इसके लिए ये मैंने दो कलर लिए हैं, टू प्लाई ऊन है, 20-20 ग्राम ऊन दोनों कलर की चाहिए, 11 नंबर क्रोशिया यूज करेंगे। तो इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए डिजाइन तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे तोरण पट्टी से। तोरण पट्टी के लिए 10 चेन लेंगे, 10 चेन पर तोरण पट्टी बनाएंगे। अगर चौड़ाई कम ज्यादा रखनी है तो उसके हिसाब से भी आप चेन ले सकते हैं। ये देखिए 10 चेन ले लेनी है। यहां पर हमें अब पफ बनाने हैं तो मैं 3 चेन छोड़ के फोर्थ में डाल के पफ बनाना शुरू करूंगी। इस तरह से जितने हैवी रखने हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं 3 टाइम और एक पहले बनाया आ गया था चेन वाला, तो 4 टाइम पफ बनाऊंगी। बीच में एक चेन भी ले सकते हैं, 2 चेन भी। ये दूसरा पफ भी सेम चेन में बनाना है। फोर टाइम बनाना है, हल्का रखना है तो 3 टाइम भी बना सकते हैं। बीच में 4 चेन लेनी है। अगर आप ज्यादा चौड़ी नहीं करना चाहें तो 3 ले लें, 2 ले लें, इस तरह से। तो 3 से 4 या 2 भी ले सकते हैं। तो अब आगे हमें सारी चेन छोड़ देनी है और लास्ट की छोड़ के सेकंड लास्ट में डालना है। सेम 2 पफ बनाने हैं, 4-4 टाइम। बीच में एक चेन या 2 जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं और सेम जगह पर एक पफ और बना लेंगे। इस तरह से 2 पफ सेम चेन में बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये 4 पफ बन गए हैं। टर्न करेंगे, यहां पर एक स्लिप स्टिच लेंगे यहां इस तरह से, और यहां पर फिर 2 पफ बनाएंगे जो 2 चेन बीच में ली है इसी में। फोर टाइम हो गया, फिर बीच में 2 चेन और दूसरा पफ बना लेंगे। इस तरह से पूरा डिजाइन बनाते जाना है। जितनी तोरण पट्टी चाहिए साइज में, साइज आप ले सकते हैं इंची टेप वगैरह से नाप के दरवाजे की, तब बना सकते हैं। बीच में 2 चेन, 3 चेन भी ले सकते हैं, मैंने 3 ली है। आप 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर 2 पफ बनाएंगे यहीं पर। बीच में 2 चेन। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 राउंड हो गए। एक चेन लेके टर्न करेंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 2 पफ बनाने हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेनी है। बहुत ही सिंपल और आसान तोरण पट्टी है और देखने में बहुत अच्छी लगेगी डिजाइन में। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कंटिन्यू बनाएंगे तो इस तरह की ये तोरण पट्टी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ये मैंने फिनिशिंग की है, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं या फिर कोई और डिजाइन में भी फिनिशिंग कर सकते हैं। अब मैं इस पर डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही सुंदर डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक पेटल डिजाइन के लिए बनाई है पहले ही, और ये मैंने फ्लावर अलग से बनाया है। फ्लावर बनाना भी मैं बता दूंगी किस तरह से ये मैंने बना के तैयार किया है। यहाँ पर आप स्टोन वगैरह लगा सकते हैं और ये यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो ये देखिए बहुत सुंदर डिजाइन ये बनेगा तोरण का। तो एक पेटल बन गई है हमारी और एक मैं बचे हुए पार्ट पर आप लोगों को बना के दिखाऊंगी किस तरह से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। सेम डिजाइन यहाँ बनाया है, सेम ही दूसरा मैं बना के दिखाऊंगी। तो सेम वैसे ही आप कंटिन्यू बनाएंगे तो बढ़िया डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस डिजाइन के लिए मैंने यहां से और यहां तक 9 राउंड तोरण पट्टी के छोड़े हैं, 8th राउंड छोड़े और 9th में बनाना शुरू किया है इस तरह से। और ये जो पेटल हमारी है यहां से हमने ये लास्ट हमारा ये देखिए ये 7 राउंड है, 7 राउंड तोरण पट्टी का है जो डिजाइन का है इधर भी और इस साइड में भी। तो आगे भी हम 7 राउंड छोड़ के फिर डिजाइन शुरू करेंगे। तो ये देखिए इसे काउंट कर लेंगे 7वें राउंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड छोड़ देंगे और 8th से शुरू कर लेंगे डिजाइन शुरू करना है हमें। तो यहां पर मैं 6 चेन लूंगी, लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 और नेक्स्ट में ही बांध लेना है। 2 चेन लेंगे और यहां पर बांध लेंगे। अब हमें टर्न करना है और इसमें हमें सेम इसके जैसे बनाने 4 पफ, 1 चेन लेके फिर इसमें 4 पफ बनाएंगे। 1 4 टाइम बना लेते हैं, अगर ज्यादा हैवी करने हो तो 5 टाइम बना सकते हैं, हल्के रखने हैं तो 3 टाइम। तो ये मैं बीच में रख रही हूं, 4 टाइम बना रही हूं। इसके बाद यहां पर लेनी है 3 चेन, 3 चेन लेके 1 पफ और बनाएंगे, ये भी 4 टाइम बनाएंगे, फिर 3 चेन, इस तरह से टोटल ये 4 पफ बनाएंगे इसमें। तो ये देखिए 4 पफ बन गए। अब 1 चेन लेके और सेम इसमें जितना गैप छोड़ के बंद है उसी हिसाब से इसे भी बांध लेना है। फिर 2 चेन लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ के ये स्किप छोड़ के नहीं करनी है क्योंकि फिर पेटल की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमें चौड़ाई ज्यादा नहीं रखनी है। अब हमें इस 3 इसमें बनाएंगे पफ, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी 9 पफ बनाएंगे, 9 काउंट करके बनाने हैं। 1 चेन लेंगे और ये वाला छोड़ देंगे, यहां पर बनाएंगे 3 पफ सेम बनाने हैं 4 टाइम और बीच में 3 चेन लेके। एक और बनाएंगे सेम जगह पे, अब हमें 1 चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट में 3 पफ बनाएंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट में बना लेंगे सेम इसी तरह से 3-3 पफ, बीच में 3 चेन, इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। फिर 3 चेन, तो ये देखिए ये बन गया है और फिर 1 चेन लेके और थोड़ी सी जगह स्किप करके फिर बांध लेना है इस तरह से। फिर टर्न करेंगे और यहां पर हमें 1 चेन लेनी है, स्लिप स्टिच लेना है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसके पास में, और यहां पर अब हमें 8 चेन लेनी है। एट चेन हो गई, 8 चेन लेके और थोड़ी सी जगह स्किप करके बांध लेना है। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लेके लगभग 4 चेन के बराबर यहां पर जगह स्किप कर देनी है इस तरह से। इसके मैं 5 पार्ट कर लूंगी, 1 हो गए, 2 1 यहां पे, 3 और 1 यहां पे बीच में, 4 और 2 इधर, तो टोटल 5 पार्ट करने हैं।
तो यहाँ पर बांध लेंगे, ये एकदम बीच है इसका, तो यहाँ पर एक कर लेंगे, ये दो इधर हो गए, एक एकदम बीच में, दो साइडों में इस तरह से पांच पार्ट कर लेने हैं, काउंट करके बनाने हैं 15। तो ये देखिए, ये 15 डबल क्रोशिया मैंने इसमें बनाए हैं काउंट करके, और अब ये वाला पार्ट है जो इसके बीच में बांधना है, ये दोनों साथ में, और यहीं से नेक्स्ट में शुरू कर देंगे 15 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे, और एक पे बना लेने जो पांच पार्ट किए हैं, सभी पर 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया बना के ये तैयार कर लेना है। अभी यहाँ पर ये पांच चेन लेके यहाँ बांध लेना है, ये डबल क्रोशिया एक छोड़ देंगे, एक ही इस डबल क्रोशिया से ये छोड़ना है और नेक्स्ट के पास बांधना है, पांच चेन लेनी है। इसके बाद हमें चेन लेनी है, यहाँ पर तीन चेन लेंगे पहले, और इसको बीच में बांध लेंगे, ये वाली चेन इस हिसाब से लेनी है कि खिंचाव आ भी नहीं रहे और ज्यादा इसमें झोल भी नहीं आए, इस हिसाब से चेन लेनी है। तो थोड़ा टाइट चेन लेंगे, बाद में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये एकदम सही आएगा, एकदम बीच में काउंट करके और फिर बांधना है। छह चेन ले लेनी है, छह चेन लेके और फिर बांध लेंगे तो ये सही आएगा। बाद में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये एकदम सही आएगा इसकी तरह बिल्कुल। और अब तीन चेन लेके फिर ये वाला छोड़ के और फिर यहाँ बांध लेना है। फिर दो चेन लेंगे, थोड़ी सी जगह स्किप करके बांध लेना है, और अब इसमें पूरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच आठ से दस डबल क्रोशिया इसमें एक में बना लेंगे। स्टार्टिंग में कम बनाएंगे, चार या पांच डबल क्रोशिया, तो इसमें मैं स्टार्टिंग वाले में चार ही बनाऊंगी, बाकी में आठ से दस डबल क्रोशिया बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा राउंड डबल क्रोशिया का बना लेंगे, चार हो गए, एक इसके ऊपर बना लेंगे और इस वाले में बनाएंगे, तो कंटिन्यू बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, नाइन डबल क्रोशिया बीच में बनाए हैं और स्टार्टिंग में चार डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस तरह से ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब हमें फिर से यही वाला डिजाइन बनाना है जो हमने बीच में बनाया है, ये सेम चेन बढ़ानी है बस इसमें, बाकी सेम यही वाला बनाना है और इसके ज्यादा पार्ट हो जाएंगे, सात पार्ट है, ये पांच है तो ये मैंने सात पार्ट किए हुए हैं इसके, सेवन पार्ट,
तो यहाँ पर मैं 12 चेन लूंगी, 12 चेन पर डिजाइन बनाया है सेकंड वाला। इस तरह से 12 चेन लेके और थोड़ी सी जगह स्किप करनी है क्योंकि इसके बीच में हमें फिर ये वाले कलर का डिजाइन बनाना है, तो ये थोड़ी सी जगह स्किप करके और इस तरह से निकाल लेना है। लगभग 4 डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं बीच में, फिर 4 चेन सेम ऐसे ही बनाना है और 1 2 3 4 यहां भी 4 छोड़ देनी है, फिर 12 चेन। तो इस तरह से पूरे पे 7 पार्ट में कर लेना है, 3 इधर आएंगे, 1 बीच में, 4 और फिर 3 इधर। इस तरह से 7 पार्ट इसके हो जाएंगे, 7 पार्ट गिन के करने हैं। तो देखिए इस तरह से 7 पार्ट कर लिए, कंटिन्यू कर लेने हैं। और अब हमें सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें हमने 15 बनाए हैं, इसमें हम 20 बनाएंगे, 20 डबल क्रोशिया काउंट करके बनाएंगे तो ये एकदम सही बनेगा। तो एक सिंगल क्रोशिया चेन तोड़ पट्टी के साथ ले लेंगे इस तरह से, और अब इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, काउंट करके बनाने हैं इस तरह से। पूरा राउंड ये हमें बना के तैयार कर लेना सेम जैसे हमने पहले बनाया है। तो ये देखिए 20 डबल क्रोशिया हो जाए, उसके बाद ये जो 4 चेन हमने ली थी इसको और इस वाले डबल क्रोशिया के साथ बांध लेना है, फिर नेक्स्ट वाले में 20 चेन। तो इसी तरह से हमें पूरा ये तैयार कर लेना है राउंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 7 पार्ट किए थे इसके और ये बना लेने हैं इस तरह से। अब हम कलर चेंज कर रहे हैं इसमें, तो कलर चेंज करने के लिए ये मैंने एक ये डबल क्रोशिया छोड़ा है यहाँ पे, यहाँ से इस वाले से शुरू करके और यहाँ पर बंद है, और यहाँ पर 6 चेन लेनी है दूसरे कलर की जिससे तोड़ पट्टी बनेगी उस वाले कलर से, 6 चेन लेके और फिर ये वाला जो है इसके बीच में बांधना है यहाँ पर स्टार्टिंग में ही। ये बांध लिया, ये देखिए फिर 6 चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे सॉरी, 4 चेन लेनी है, फिर 4 चेन लेके इस वाले किनारे पर बांध लेंगे लास्ट में, और अब 12 चेन लेंगे। बारह चेन लेके और इसके ऊपर से और इसके नीचे की साइड इसको ऐसे घुमा के और फिर यहां पर बांध लेना है, फिर 4 चेन लेंगे 1 2 3 4 और इसके किनारे वाले पर बांध लेना है, फिर 12 चेन। और इसको सीधा करेंगे और इसके इसके नीचे से ही आएगा और इसके ऊपर से आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे में बना लेना है ये, और इस पर सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो डबल क्रोशिया बना के इसे पूरे को तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा, यहां से शुरू करके ये एक के दोनों साइड में ऊपर आएगा, एक के दोनों साइड में नीचे से निकलेगा। तो इसी तरह से पूरे में बना के और डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स पेटल हमारी बनके तैयार हो गई, हमने पूरा ये बना के तैयार कर लिया है। और ये बीच में मैंने पफ की दो तीन तीन लाइन बनाई है, 1 5 पफ की, 2 4 4 पफ की। तो ये ऑप्शनल, बनाना चाहे तो ठीक है बना के लगाना, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। और अब इस पर पम्प पम्प बॉल या झालर वगैरह भी लगा सकते हैं। और यहाँ के लिए मैंने फूल बना रखे इस तरह से, किसी भी तरह का फूल बना के आप लगा सकते हैं। और बाकी मैं ये वाला फूल कैसे बनाना है वो भी बता दूंगी, वीडियो डाल दूंगी बना के। तो ये इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब हमें पम पम बॉल सिल ली है, तो पम पम बॉल बनाना आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं पम पम बॉल बनाने के।
तो इसको हम बांध लेंगे या और अच्छे से भी सील सकते हैं इस तरह से।